यदि मेरा व्लॉग आज का पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा और बॉडी शेयर शेयर करेगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ऐसे ही लाते रहूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज क्या होने वाला है, आज भी मैं आपसे एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं BHU, बिकॉज मेरी मम्मी का है आज चेकअप एंड उनकी रिपोर्ट भी आज आने वाली है, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को दवा और डॉक्टर से सारा कुछ करना है। तो मैं आज दिखाऊँगी कि BHU का इस टाइम में कोरोना के कंडीशन में किस तरीके का वहाँ पर कंडीशन है। सो गाइज, अभी मुझे रेडी होने की ज़रूरत है और जैसे मैं रेडी हो जाऊँगी तो फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज, देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड देन अब मैं BHU जाऊँगी। तो उसके पहले मैंने सोचा था कि स्कूटी से चल जाऊँगी, बट कोइंसिडेंटली मेरे पिताश्री को भी उसी टाइम पे जाना था तो उन्होंने स्कूटी ले लिया एंड अब मैं ऑटो से जाऊँगी, ठीक है? और मम्मा भी मेरी जाएंगी साथ में ही। गाइज, देखिए हम लोगों ने अपने सेफ्टी के लिए सैनिटाइज़र ले लिया है एंड देन हम लोग अपना मास्क इसी से मैं दुपट्टे से कर लूँगी। एंड हियर इज माई मॉम एंड वो भी भाई देखिए दुपट्टे को यूज़ कर रही है। तो गाइस चलिए ऑटो में चलते हैं एंड देन आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज, BHU जाते टाइम में रास्ते में मड़वाड़ी स्टेशन भी होता है, इसका रिसेंटली नाम वाराणसी स्टेशन रखा गया है। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. So guys, आप देख सकते हो ये अभी नया IMS का ब्रांच खुला हुआ है BHU के अंदर ही। देख सकते हो ये पूरा नया बिल्डिंग है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं BHU एंड अभी अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद में मम्मी की ओटीटी है तो फिर हम लोग सो गाइस फाइनली देखिए मेरे हाथ में रिपोर्ट आ चुकी है एंड अभी हम लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन फॉलो होगा। तो यहाँ की कंडीशन आप देख सकते हो। का तो दिन ही ख़राब था, हम लोगों ने बुकिंग की थी लेकिन फिर भी OPD जो थी उसमें हम लोगों का नाम नहीं था और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी हम और गाइस अभी तो पता है थायराइड की प्रॉब्लम में मम्मी का जो TSH लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया और इसकी वजह से उनको 50 μmHg का मतलब दवा लेने के लिए बोला गया है थायराइड का, तो वहीं वो लेती है। सो गाइस एक्चुअली आप जब भी मतलब कि BHU में जब से कोरोना हुआ है तब से रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं रिस्क होता था, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि मान लीजिए कोई नेटवर्क सर्वर का भी प्रॉब्लम है तो वो आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है? तो आप जब भी कहीं भी बुकिंग कराएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट एक पेमेंट का जरूर रखेगा जिससे कि आप एक कन्फर्मेशन कर सकें, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम हम लोग के साथ में हुई है और OPD की वजह से हम लोग का जो पर्चा है वो हम लोगों को नहीं मिल पाया, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ पे तो अब आ ही जाएगा तो मैं प्रूफ क्या रखूँ, मेरे दिमाग पे भी नहीं था। और एक्चुअली सडनली मेरे फोटोज़ जो थे गैलरी के वो डिलीट भी हो चुके थे तो मैं उसे रिकवरी भी नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाता, वहाँ पे मैं रहती भी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स थे कि इन्फेक्शन भी होने के चांसेस थे, ठीक है? तो अभी BHU में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराओ उसका एक पेमेंट प्रूफ जरूर रखिएगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग मॉल में जा रहे हैं,
क्योंकि कुछ सामान लेने थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को उतने भी अच्छे कुछ सामान नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग घर पे आ गए हैं। बिकॉज क्या हुआ कि आज तो किस्मत ही ख़राब थी, ऑनलाइन ओपीडी वगैरह बुकिंग करा लिया था, फिर भी हम लोगों के पास में प्रूफ नहीं था। बिकॉज वहाँ पे नेम हम लोगों का लिस्ट में नहीं था, ठीक है, तो प्रूफ नहीं था। उन्होंने बोला था कि स्क्रीनशॉट हमेशा आपको अपने पेमेंट का लेके रखना है, बट पता नहीं क्या हुआ कि पिछली बार में मेरा पूरा फ़ोटो डिलीट हुआ एंड फ़ोटो रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए हम लोगों ने वापस आ गए। और उन लोगों का कहना था कि भाई मंडे को आप लोग फिर से आगे दिखवा सकते हो, तो फिर मंडे को हम लोग जाएंगे और मंडे को शायद नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुका होगा, तो अब देखिए क्या होता है। आपको भी एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी बुकिंग कराएं तो उसके पहले आपको क्या करना है कि हमेशा उसका एक प्रूफ रखना है अपने साथ में, पेमेंट का प्रूफ रखना है, जिससे कि यदि ऐसा कुछ होता है कि आपका नया नेम नहीं आता है ओपीडी लिस्ट में, तो आप फिर से उसको मतलब कि उस पर्चे को दिखा करके, उस प्रूफ को दिखा करके आप अपना पर्चा निकलवा सकते हो। तो गाइस देख सकते हो कि मेरा जो डॉगी है इतने देर से हम लोग को नहीं दिखाया था, इसलिए परेशान है। आप देख सकते हो इसकी एक्टिविटीज़, परेशान कर डालता है यार। सो गाइज आप देख सकते हो कि मम्मी की रिपोर्ट आ चुकी है और ये यूरिन वाला टेस्ट है, तो इसमें देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, क्रिस्टल देखा गया इनके यूरिन में। और ये जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो और ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप यदि पानी पियोगे तो जो आपके यदि छोटे मोटे स्टोन्स भी होंगे किडनी के, तो वो भी उसके थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक दो दवा चलेगी मम्मी की और तो ये सही हो जाएगा। सो गाइज इससे मुझे अच्छे तरीके से डॉक्टर को दिखाना होगा और उसके बाद में अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के बाद में मुझे दवा लेना होगा। सो गाइज चलिए आज का व्लॉग यहीं पेंट करते हैं, और यदि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे बहुत शेयर भी करिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए कुछ इसे देखे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाती रहूँ।